हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। तो फर्स्ट है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन इसकी की जाती है फ्रॉम पायरोलोसाइट मिनरल। दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ पायरोलोसाइट मिनरल इनटू पोटेशियम मैंगनेट, एंड सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इंटू परमैंगनेट। तो फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्कली के साथ एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करवा सकते हैं। इस रिएक्शन को एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कहेंगे। तो पोटेशियम मैंगनेट ग्रीन मास आता है, और ये इसमें हम एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, और इसी तरह एयर की जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट जैसा ऑक्सीजन रिच कंपाउंड भी लिया जा सकता है। जब ये ग्रीन कलर का मास है, इसको वाटर के साथ सॉल्यूशन में डिजोल्व करके इस सॉल्यूशन को उसकी फिर ऑक्सीडेशन कराई जा सकती है विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्लोरीन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एसिडिक सॉल्यूशन के साथ भी पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये वाला रिएक्शन जो है एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि जो मैंगनेट है उसमें +6 है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। साइमल्टेनियसली इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ये पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +7 हो रही है। तो ये जो है, दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रही है। +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ना सिर्फ एसिडिक मीडियम में बल्कि न्यूट्रल मीडियम में भी मैंगनेट को परमैंगनेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बार जब ये सॉल्यूशन आ जाती है परमैंगनेट की, फिर इसको कंसंट्रेट करके और कूल करके हमारे पास डार्क पर्पल कलर के परमैंगनेट के क्रिस्टल्स आ जाते हैं। एक और चीज दोनों में डिफरेंस देखा जा सकता है कि जो मैंगनेट होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, जबकि पर मैंगनेट जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। एक और मेथड कमर्शियली जो है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो वही है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन एल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ पायरोलोसाइट को पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट कर दिया। और सेकेंड स्टेप है, हम इसकी इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैंगनेट को ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू पर मैंगनेट। उसके लिए हम निकल का एनोड लेते हैं और आयरन का कैथोड लेते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट में पोटेशियम मैंगनेट लेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट में एल्कली लेंगे, और जब करंट पास करते हैं तो एट एनोड पोटेशियम मैंगनेट गेट्स ऑक्सीडाइज इंटू पर मैंगनेट, एंड एट कैथोड द हाइड्रोजन आइन्स present in the solution will gain electrons to form hydrogen gas. Laboratory में manganese salt जो +2 oxidation state है, उसको हम per oxo disulfate से oxidize कर सकते हैं to per manganate. तो structure of manganate and per manganate. तो manganate is MnO4 2 negative. तो दो नेगेटिव चार्जेस, ये जो सिंगल बॉन्ड मैंगनीज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये कैरी कर रहे होते हैं, और दो न्यूट्रल ऑक्सीजन्स आएंगे हमारे पास विद डबल बॉन्ड। रेजोनेंस हाइब्रिड आता है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन ऑल द बॉन्ड्स होता है, और ये टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। मैंगनेट में 2 नेगेटिव चार्ज है और 2 डबल और 2 सिंगल बॉन्ड्स है, बट इन केस ऑफ पर मैंगनेट 3 डबल बॉन्ड्स और 1 सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पे भी क्योंकि रेजोनेंस हो रही होती है, तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये सभी बॉन्ड्स के ऊपर आ जाता है, एंड ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन लेंथ। ये इसकी प्रॉपर्टीज,
फर्स्ट प्रॉपर्टीज की सॉल्युबिलिटी, जो परमैंगनेट आयन है इट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, अबाउट ओनली 6.4 ग्राम्स विल डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. व्हेन हीटेड पोटेशियम परमैंगनेट विल डीकम्पोज इन टू पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. हीटिंग विद एल्कलीज पोटेशियम मैंगनेट एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड. पोटेशियम परमैंगनेट प्लस एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव पोटेशियम मैंगनेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन. इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल एल्कलाइन एज वेल एज एसिडिक सोल्यूशंस. द डिफरेंस इज इन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. न्यूट्रल सोल्यूशन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. रिएक्शन इज पोटेशियम permanganate reacts with water that which is neutral to form potassium hydroxide and manganese dioxide and nascent oxygen. तो आप देख रहे तीन nascent oxygen produce हो रही है. इसी तरह अगर हम इसकी ionic solution ले तो permanganate ions three electrons accept कर रहे हैं to form manganese dioxide and hydroxide ions. तो equivalent weight will be molecular weight about upon number of electrons taken 3, 52.67. strongly alkaline solutions mein initially jo potassium permanganate hai wo manganate ions banata hai, lekin agar reducing agent bhi present hoga to ye baad mein further manganate ions reduce ho jayenge, lekin first jo hai jab ye manganate ions banata hai tab reaction hai potassium permanganate plus potassium hydroxide will form potassium manganate plus water plus nascent oxygen. Only one oxygen is produced, or in other words permanganate ions take one electron to form manganate ions. तो इस केस में equivalent weight जो है वो molecular weight divided by one will be the same as molecular weight. Equivalent weight will be 158. लेकिन अगर alkaline medium जो है वो weak है, ये जो मैंगनेट आयंस बनते हैं ये फर्दर दो इलेक्ट्रॉन्स और लेके मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इसका रिएक्शन सेम वही हो जाता है जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपने देखा था. तो इन दैट केस जो इक्विवेलेंट वेट है दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय थ्री. जो एसिडिक सॉल्यूशन में मैंगनस Mn2 पॉजिटिव आयंस बनते हैं, KMnO4 विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट मैंगनीज सल्फेट जिसके साथ में वाटर और 5 ऑक्सीजन. तो इस केस में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन. इक्विवेलेंट वेट यहां हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 31.6. एसिडिक सॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा यूज होता है तो KMnO4 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म K2SO4 प्लस 2MnSO4 plus 3 water plus 5 oxygen. These nascent oxygen will later on oxidize different products. For example, ferrous sulfate is oxidized in the presence of acid to ferric sulfate. Overall reaction आप दोनों reactions को add करके लिख सकते हैं. तो हमने तो जैसे इसने फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया, इसी तरह एसिडिक KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज potassium iodide to iodine. Ki will react with KMnO4 and sulfuric acid to sulfate, manganese sulfate, water and iodine. It oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. It oxidizes sulfur dioxide to sulfuric acid. It oxidizes nitrites to potassium nitrite to potassium nitrate. It oxidizes oxalates or oxalic acids. For example, this is oxalic acid to carbon dioxide. Then hydrogen halides to halogens. It oxidizes sulfides to sulfates. Then in neutral medium, as you know, that it will act as an oxidizing agent, but product will be in neutral medium, product will be manganese dioxide. जबकि acidic medium में हमारा आ रहा था manganese plus 2 oxidation state में, यहाँ पे manganese dioxide product होगा. तो first half reaction is 2 KMnO4 plus water
gives 2KOH plus 2MnO2 plus 3 nascent oxygen. और सेकेंड रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन डिफरेंट कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगी, तो H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, वाटर बनेगा साथ में. ओवरऑल रिएक्शन आप इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करके लिख सकते हैं. इसी तरह इट ऑक्सीडाइजेस मैंगनीज सल्फेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो फर्स्ट इसी तरह इट ऑक्सीडाइजेस सोडियम थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट. और अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम मैंगनेट पहले बनता था और फिर बाद में मैंगनीज डाइऑक्साइड, न्यूट्रल वाला ही रिएक्शन होता है. लेकिन देखने वाली बात है कि जो एसिडिक रिएक्शन में आयोडाइड्स आयोडीन में ऑक्सीडाइज होते थे, अल्कलाइन मीडियम में इंस्टेड ऑफ आयोडीन आयोडेट्स आर फॉर्म्ड. सो KMnO4 प्लस वॉटर विल फॉर्म मैंगनीज डाइऑक्साइड, potassium hydroxide and 3 nascent oxygens. These nascent oxygen will oxidize potassium iodide into potassium iodate. So this is a notable change in the reactions. Another reaction is with ethylene. Alkaline KMnO4 oxidizes ethylene to ethylene glycol. Uses, it is used as an oxidizing agent in laboratories. In volumetric analysis, we can estimate ferrous ions, oxalates, iodides, and hydrogen peroxide. It is also used as a disinfectant and germicide. Alkaline KMnO4 is used in organic chemistry under the name Bayer's reagent. Or isko hum bleaching of wool, cotton, or dusre textile fibers ko bhi maybe use karte hain. Or oil ka bhi color jo hai nikalne ke liye isko use kiya jata hai. So that's all about potassium permanganate.